नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक नई जानकारी, एक नई अपडेट शिक्षक भर्ती के संदर्भ में लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूं एक आप सभी के साथ। कल ही मैंने आपको केबीएस से संबंधित, आपके एलटी से संबंधित और जीआईसी से संबंधित टीजीटी पीजीटी जो नई विज्ञप्ति आनी है उसके संबंध में एक अपडेट की वीडियो मैंने दी थी। केबीएस के विषय में जो मैंने आपसे कहा था वह कोई अफवाह नहीं थी, और आज उस भर्ती के विषय में मैंने जो आपसे कल कहा था उसके विषय में एक मैं आपको आदेश दिखा रहा हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का है आपका, और इसमें मुख्य तौर पर जो चर्चा की गई है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें एक तो टीचिंग पोस्ट ज्यादा है और नॉन टीचिंग पोस्ट ज्यादा है। वैकेंसी क्यों आने वाली थी, किस आधार पर, मैंने कहा था आप एक माहौल को समझिए। 2019 में जब आपका चुनाव था तो केवीएस की लास्ट वैकेंसी आप देख लीजिए, केवीएस में 2018 में बंपर वैकेंसी आई थी, तब से वैकेंसी देखने को नहीं मिली, क्योंकि 19 में आपका चुनाव था, 24 में आपका चुनाव लगा हुआ है। तो 2023 वाला जो आपका माहौल होगा, 23 का माहौल आपके केवीएस में ठीक ठाक आपकी वैकेंसी देने वाला है, ठीक है, क्योंकि 19 में चुनाव था तो 18 में अच्छी खासी, उसके बाद वैकेंसी केवीएस में नहीं आई है। तो इसमें टीचिंग पोस्ट आपकी और नॉन टीचिंग, नॉन टीचिंग की भी अच्छी खासी वैकेंसी और टीचिंग की तो है ही है, ठीक है। तो इसको लेकर के आपका एक जो है ये सर्कुलर आपका जारी हुआ है और इसमें सारी चीजें देख रही है। 1/11/2022 को स्वीकृत पद, पद पर कार्यरत कर्मचारी और शिक्षण स्टाफ और गैर शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों के संबंध में, ठीक है, जो विषय भेजा गया था, जितने भी आपके प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय के, उन सभी को लेकर के, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि यह कहा गया था कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने केंद्रीय विद्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, उन सभी के संबंध में जितने भी पद हैं, पद पर जितने कार्य कर्मचारी कार्य कर रहे, शिक्षण स्टाफ और एक तरीके से जो गैर शैक्षणिक स्टाफ है, इन सभी के रिक्त पदों को प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा उसमें संलग्न भेजा गया था। तो ये वैकेंसी आपकी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगी। केबीएस के साथ साथ जैसे अभी पिछली बार भी आपने देखा था यूपी में टीजीटी और पीजीटी वाला जो मामला था, अपनी एक वैकेंसी चुनाव से पहले, मैंने कल भी आपको बताया था कि चुनाव से पहले यूपी में बेसिक की वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बेसिक टीचर की जो वैकेंसी है यह चुनाव से पहले अपने यहां अच्छी जो है संख्या में आएगी। मिनिमम अगर ये देते हैं तो 51,000 तो देंगे ही देंगे, अगर मिनिमम दे रहे तो 51,000 तो ये देंगे ही देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में भी आप देखिएगा, बिहार में भी लगभग 1.5 लाख टीचर की वैकेंसी आएगी। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में 1.5 लाख टीचर की वैकेंसी आनी है, ठीक है। और आपका यूपी में एक तो ये हो गया बेसिक वाला जो चल रहा है, केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। आज आपने अपडेट भी देख लिया है कि केवीएस में आपकी सारी चीजें मिलने वाली है। और थोड़ा सा मामला आप देखिएगा तो आप लोग थोड़ी सी नजर, वैसे मैं अपडेट देता रहूंगा, डीएसएसएसबी वाला जो मामला है इसमें भी आपका, ठीक है, अब आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी डीएसएसएसबी में, क्योंकि पिछली जितनी थी लगभग आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब इसमें वैकेंसी आपको डीएसएसएसबी में काफी देखने को मिलेगी। एक तो पीआरटी पहले देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका पीजीटी टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा एज घटा दी है, 30 बरस उसने कर दिया है डीएसएसएसबी ने, लेकिन ये सारी चीजें आपको जो है आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी है। और अपने यहां जहां तक मुझे उम्मीद है कि अपने यहां टीजीटी और पीजीटी भी आपको अगले सत्र में देखने को मिल सकती है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी जो आपकी चल रही है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जहां तक, ठीक है, मुझे जानकारी प्राप्त है आपको अगले सत्र में टीजीटी और पीजीटी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यह भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जूनियर एडिट का मैंने विज्ञापन आप वो दिखाया ही था कि हरियाचंद फिर से आपका पोर्टल खोला गया है जूनियर एडिट के प्रिंसिपल के, उसमें पहले से ही पद आपके काफी काले। बीओ की वैकेंसी और आपकी जो जो है लोक सेवा आयोग से जैसे जीआईसी के भी कयास लगाए जा रहे हैं, तो जीआईसी में भी वैकेंसी आपकी खाली है, लेकिन उस पर थोड़ा सा समय जाएगा क्योंकि एलटी वाला मामला अभी फंसा हुआ है। एलटी वाला मामला मैंने बताया था आपको कि एलटी वाले मामले में हुआ क्या था कि जो आपकी विषय के सब्जेक्ट के लिए, अभी डीएसएसएसबी में जैसे कई लोग हैं जिनका हुआ है, तो
तो अपने यहां जैसे चल रहा है कि भाई एसएसटी से हो गया, तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है कि बंदा ये पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में, तो वो किस विषय के लिए आपका माना जाएगा हरी कि अच्छा ये विषय पढ़ाने के लिए आपका एलिजिबल है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका डीबी हो चुका है और उनको इस मामले पर फंसा दिया गया कि भैया आपका क्लियरेंस आप पहले यूनिवर्सिटी से अपने लाइए कि आप कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, उसके बाद हम विचार करेंगे। तो ईएलटी वाले में भी अपने यहां यह मामला फंसा हुआ है। बेसिक वाली वैकेंसी में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो आरक्षण की विसंगतियां पिछली आपकी रही हैं, उन आरक्षण की विसंगतियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक नई विज्ञप्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। आएगी, ये डन है, लॉलीपॉप इनका समाप्त हो चुका है। अब ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी का अपने चरम पर पहुंच चुकी है, वहां युवाओं के साथ इस तरीके से छल या कपट उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं एक खाई जो है तैयार कर देगा। तो लगे रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अपनी जो अभी तक की जितनी हताशा है, जो भी चीजें हैं, इनको एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर मोड़िए, एक सही दिशा दीजिए और जो भी आपके विषय हैं, ठीक है, जिन जिन विषयों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस पर केंद्रित होना प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि वैकेंसी आपकी आनी है, डन है 2024 का चुनाव, ठीक है, और सारी की सारी वैकेंसी आपकी आएंगी और वो कराई भी जल्दी जाएंगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि रिजल्ट ये चाहे बाद में दें लेकिन उसको वैकेंसी ये करवाएंगे क्योंकि आपका चुनाव उधर शुरू हो जाएगा मई के बाद वाला पूरा माहौल। तो इस वजह से सारे लोग पॉजिटिव रहिए। बाकी कोई इसके संबंध में आपकी जैसे एनबीएस में भी मैंने बताया कि एनबीएस में तो मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले आपकी वैकेंसी देखने को मिले थी लेकिन एनबीएस में भी आपके पद आने हैं, ठीक है, तो केवीएस में तो देखने को मिलेगा, एनबीएस में भी देखने को मिलेगा और यूपी में मैंने बताया, बिहार में मैंने बताया, ठीक है, इन सब में आपकी चल ही रही है। कोई भी अन्य सूचना होती है उसको लेकर के पुनः आप सभी से मिलूंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जानकारी शिक्षक भर्ती संबंधित से है या अन्य किसी जो है वैकेंसी के संबंध में है वो आपको तत्काल तौर पर उपस्थित हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।